में एक के बाद एक भर्ती का घोटाला सामने आ रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के युवाओं का सब्र का बांध टूट गया है। मामले में धामी सरकार भले ही एसटीएफ को आगे कर छोटी मछलियों को गिरफ्तार कर रही हो, लेकिन अब तक किसी भी भ्रष्ट नेता और नौकरशाह का नाम तक उजागर नहीं हो सका है। ऐसे में प्रदेश भर के युवाओं की बस एक ही मांग है कि राज्य निर्माण से अब तक की भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो, लेकिन धामी सरकार की लगातार युवाओं की मांग को अनसुना कर रही है। ऐसे में राजधानी देहरादून की सड़कों के बाद अब कुमाऊं के प्रवेश ने हल्द्वानी में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने हल्ला बोल की तैयारी कर ली है। यही नहीं, बेरोजगार युवाओं के समर्थन में तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी सामने आए हैं। वहीं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में उत्तराखंड युवा एकता मंच से जुड़े युवाओं ने एकजुट होकर कहा कि आने वाली 14 सितंबर को हल्द्वानी में युवा महा आक्रोश रैली निकालेंगे, जिसमें प्रदेश भर के युवा एकजुट होकर धामी सरकार से भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच की मांग करेंगे। वहीं रामनगर से आए उत्तराखंड युवा एकता मंच के तेजेश्वर गुतियाल का कहना है कि अब गढ़वाल की तरह कुमाऊं में भी सरकार को जगाने के लिए जोरदार आवाज उठेगी। इसके लिए 14 सितंबर का दिन तय किया गया है। महा आक्रोश रैली में प्रदेश भर से युवा जुटेंगे। कोटाबाग से आए यूथ कांग्रेस से जुड़े राहुल पंत ने कहा कि अब तक की एसटीएफ जांच में जितने भी दोषी पकड़े गए हैं, वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मीमांसा आर्या ने कहा कि जाने कितने हाकिमों ने बेरोजगारों की हकों पर डाका डाला है। ऐसे में भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच से कम मंजूर नहीं है। 14 सितंबर को हल्द्वानी से युवाओं की गर्जना होगी, जिसके बाद धामी सरकार को भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच करने को बाध्य होना पड़ेगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्रदेश में आह्वान किया है युवाओं से कि आइए, जितना भी यूके ट्रिपल एससी के अलावा भी जितनी प्रदेश में आज तक की भर्ती हुई है राज्य बनने के बाद, उन सबकी हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। ये हमारी रैली सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे प्रदेश के युवाओं की, उनके माता पिताओं की है। कितने लोगों ने अपनी उम्र की सीमा पार कर ली लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिली। तो हमारा युवाओं से निवेदन है आपके माध्यम से कि आए, इस प्रदेश की महाक्रोश रैली को सफल बनाए, जो सरकार को जगाने का काम करे। एक उत्तराखंड बनाने के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी और आज हम उत्तराखंड बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, हमारी 14 तारीख को पूरे प्रदेश भर की और मुख्यतः कुमाऊं के युवाओं की पुकार रैली है, जो कि हम सभी जानते हैं कि यूके ट्रिपल एससी में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह से धांधली हुई है, जिस तरह से नौकरियां बेची गई हैं, तो ये उनके खिलाफ हमारा धरना है। यह रैली उस मांग के लिए कि इस सब भ्रष्टाचार के पीछे सीबीआई जांच हो, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष सीबीआई जांच होगी और हमारे जो प्रदेश का जिन्होंने बुरा हाल किया है, युवाओं की मेहनत पर पानी फेरने का जिन्होंने काम किया है, वह पकड़ में आए।